कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी चल रही है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बड़ा बयान दिया, हर ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला का आयोजन होना चाहिए। मनसुख मांडविया ने बात कही, बीमारियों की पहचान और आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जाए। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की तैयारी जारी है। केंद्र ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 3 दिनों के शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के केवड़िया में 14वें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन में कहा कि स्वास्थ्य मेला हर ब्लॉक में आयोजित किया जाना चाहिए। वहां लोगों में बीमारियों की पहचान के साथ आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को जो भी निर्देश दिए उन पर अच्छे से अमल किया। आज भी हम दुनिया की स्थिति को देखें तो कई देशों में लॉकडाउन है। भारत ने कोविड की तीसरी लहर में अच्छा प्रबंधन किया और मामलों को आगे बढ़ने से रोका। हील बाय इंडिया एंड हील इन इंडिया स्लोगन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देशों पर कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। दुनिया की स्थिति हम देखें, कई देश में अभी भी लॉकडाउन है, कई देश की इकोनॉमी अभी झोंका खा रही है, कई देश में केस अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने थर्ड वेव में बेस्ट मैनेजमेंट किया। चिंता बढ़ाने वाली खबर, दिल्ली में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 1656 नए मामले सामने आए हैं। 4 फरवरी के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे के अंदर कोरोना के 233 मामले दर्ज किए गए। मास्क लगाइए, गाइडलाइंस का पालन कीजिए, कोरोना को कोई चांस मत दीजिए। दिल्ली वाले इस बात को जान ले कि कोरोना की रफ्तार का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। संक्रमण दर 5.39% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 1656 नए केस दर्ज किए गए हैं। 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। 4 फरवरी को 2272 केस सामने आए थे। सक्रिय मरीजों की संख्या 6096 तक पहुँच चुकी है। सक्रिय मरीजों की ये संख्या 9 फरवरी के आंकड़े को छूती दिख रही है। इधर आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के 117 नए केस सामने आए हैं। 93 लोग रिकवर हुए, हालांकि किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 706 दर्ज की गई है। इस बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना मृतकों की संख्या 1.47 लाख बताई गई है, लेकिन सरकार ने मुआवजे के लिए 1.81 लाख अर्जियां मंजूर की हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।